हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अविनाश में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक बेहद खास एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है गूगल फोन। दोस्तों इस एप्लीकेशन को लोग जो है गूगल वेरीफाइड कॉल या गूगल कॉलर आईडी के भी नाम से यहाँ से लोग जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो है अपने इंडिया में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसी एप्लीकेशन से जो है आप यहाँ पे कोई भी अगर कॉलर आपके फ़ोन पे जो कॉल करता है तो उसका कॉलर आईडी, इसके बाद दोस्तों कॉल वह जो कॉल करता है वह सही नंबर है या स्पैम है, टोटल यहाँ पे शो करता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों किस रीजन से भी यहाँ पे कॉल किया है टोटल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से जो है इस एप्लीकेशन को लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यह जो एप्लीकेशन है अभी प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। जैसे ही दोस्तों उस पर टैप करेंगे आपको जो है रीडायरेक्ट यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पर कर देगा। दोस्तों वहाँ पे आने के बाद अगर दोस्तों आपके फ़ोन में जो है यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और नीचे यहाँ पे ज्वाइन वीटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों वहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ से आपको जो है इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली दोस्तों वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे फ़ोन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइड में सेट एज डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप सेट एज डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह का आपको फ़ोन कॉल जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फेवरेट है। इसके बाद दोस्तों आपको रिसेंट वाले ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आपका जितने भी यहाँ पे रिसेंट कॉल आए हैं आपने किया है यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है यहाँ पे शो हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप अगर ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप अपने डिस्प्ले का यहाँ पे कलर लाइट या डार्क मोड में भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे कॉलर आईडी एंड स्पैम वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सी कॉलर एंड स्पैम आईडी। दोस्तों यहाँ पे अगर इसको ऑन रखते हैं तो जो भी यहाँ पे आपका कॉलर जो है आएगा अगर वह सही है या अगर स्पैम है यहाँ पे दोनों शो होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे है फिल्टर स्पैम कॉल, अगर इस पर अगर टैप कर देते हैं तो यहाँ पे जो है स्पैम कॉल और जो ओरिजिनल जो है कॉल टोटल यहाँ पे फिल्टर होते रहता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लॉक नंबर का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप यहाँ पे ऐड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप नंबर डाल के जो है यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं ताकि जो कोई भी है यहाँ पे कॉल नहीं आएगा। दोस्तों यह एप्लीकेशन जो है अभी बीटा वर्जन है जो कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे कई सारे और फीचर्स यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे जिससे दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी कॉलर का जो है आईडी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किस रीजन से भी फोन किया है सभी यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचे।